स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको बता रहे हैं जहां कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल 7 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जांजगीर और बिलासपुर के मजदूर हैं। इन दोनों जिलों में 1-1 लाख से ज्यादा मजदूर अपने प्रदेश वापस आए हैं और सबसे कम मजदूर बीजापुर जिले के आए हैं। कोरोना काल से पहले प्रदेश से बाहर 2 लाख लोगों की जाने की जानकारी थी, लेकिन प्रदेश लौटे 7 लाख प्रवासी मजदूरों की सूची बन गई है। पंचायत संचालक एस प्रकाश से बातचीत की सत्य सिंह राजपूत ने। करेंगे प्रवासी मजदूरों को लेकर जो दूसरे राज्य में कमाने खाने के लिए गए थे, जो छत्तीसगढ़ लौट के आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संचालक एक प्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, यह कोरोना काल में कितने मजदूर अभी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और कितने आने की संभावना है? अब तक हमारे राज्य में 12 से पूरा मजदूर है। ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, उसमें 6,97,000 रफली 21,000 क्वारंटाइन सेंटर हम लोग बनाए थे, सभी ग्राम पंचायत में बनाए थे और उसी में वो लोग ठहरे थे और कुछ लोग सीधे घर भी गए। तो क्वारंटाइन सेंटर में क्या व्यवस्था रही है, क्योंकि बहुत संख्या की बात करें तो बहुत ज्यादा है, और व्यवस्था कैसे कर रही? क्वारंटाइन सेंटर के लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल ही निकाले थे, उसके तहत हर जगह पर मिनिमम फैसिलिटीज क्या क्या हम जो रहते हैं क्वारंटाइन के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। व्यवस्था में लगभग कितने खर्चे होंगे? लगभग अगर हम बात करें 7 लाख मजदूर आ गए हैं तो 14 दिन अगर क्वारंटाइन सेंटर में रखें 28 दिन में, तो इस दौरान कितने खर्चे होंगे? खर्चा एक्चुअली हम लोग एक आंकड़ा कंप्लीट आंकड़ा हमारे पास अभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो व्यवस्था सभी स्कीम से मिलकर करना है, क्योंकि वहाँ रोजगार गारंटी में भी कुछ काम किए होंगे, गड्ढा खोदने का काम, सो वो ऐसी भी है। सो इसलिए हम लोग हमारे पास कोई कंप्लीट आंकड़ा अभी कितना स्पेंट हुआ है उसके बारे में कलेक्ट करना पड़ेगा। बड़ी चुनौती यह है कि जब कोरोना काल था तो सभी डिपार्टमेंट बंद था, और बंद होने के बावजूद आप लोगों ने काम किया उस दौरान, लोगों की सेवा की, तो जो ड्यूटी में लगे थे लोग उनका कैसे सुरक्षा करते थे, उनके लिए क्या गाइडलाइन जारी था? जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी निर्देश को कड़ाई से पालन करने के लिए बोले थे, और उसी दौरान कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी को भी आप लोग भी जानते हैं, कुछ उनको भी पॉजिटिव आया है, उसमें हमारा डिपार्टमेंट का आदमी भी एक्सेप्शन तो नहीं है, कुछ ग्राम पंचायत सचिव को भी पॉजिटिव संक्रमित हुए थे, बट वो ऐसे फिर हम लोग बार बार उनको भी निर्देश और थ्रू VEC के माध्यम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे हम लोग। एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो मजदूर बाहर से आए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था होने के साथ जो वहाँ पे कर्मचारी रहते थे, लेकिन इसी बीच ये कई ऐसी घटनाएं आई, कई लोग फांसी लगा लिए, किसी को सांप ने काट लिया, तो ऐसे मामले में किस तरह से आपने संज्ञान लिया और अभी तक तो उसने क्या कार्रवाई? ऐसी मामला एक दो तो संज्ञान में आया है, तुरंत हम लोग अटैच करने के लिए बढ़ाए जिला प्रशासन को। तो अभी आपने संचालक इस प्रकाश को सुना, जिनका साफ कहना है कि अभी प्रदेश में लगभग 7 लाख मजदूर वापस आ गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इनके व्यवस्थापन कैसे किया जाएगा। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, राजस्थान।